इस द्वार को पार करना मेरे पलक झपकने जैसा है। आपको देखकर ऐसा लगता नहीं? अरे कान्हा, हमें बालक समझ के मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? सिद्ध कर दीजिए कि आप ठीक हैं अथवा हम अबोध। ठीक है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। यदि ये सत्य है तो सिद्ध कीजिए। अति उत्तम, मैंने कहा था ना ये कोई साधारण प्रेरित नहीं है। मान गए आपको, कितनी सरलता से प्रवेश कर गए आप भीतर। मैं अश्वरक्षक हूँ, मैं भीतर जा सकता हूँ पर तुम नहीं। हे महान प्रहरी, हमें भी कोई मार्ग बता दीजिए इस द्वार को पार करने का। क्यों एक ही बात की रट लगाए रखे हो? जो असंभव है वो असंभव है। जाओ अपने घर चले जाओ। अच्छा हम चले जाएंगे, अब एक बार और प्रवेश करके दिखाएंगे। प्रथम बार ठीक से देख नहीं पाए। हाँ हाँ, ऐसा चमत्कार हमने इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। कैसे आप अश्व बन गए, अश्व से मानव बन के लौट भी आए। कितनी अद्भुत कला है आप में। सच में तुम दोनों का अच्छा लगा? हाँ। चलो कोई तो है जो मेरी कला का मूल्य समझता है। तो एक बार आप और प्रवेश करके दिखाइए। लो शीघ्र इसकी पूंछ को पकड़ लीजिए, हम इसके साथ ही भीतर चले जाएंगे। हाँ कान्हा, पकड़ो पूंछ। ये क्या किया तुम दोनों ने? आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। तुम दोनों अश्वलोक में प्रवेश तो कर गए हो परंतु यहाँ से वापस नहीं लौट पाओगे। तब की तब देखेंगे, अब चिंतित ना हो। तुम दोनों से पूर्व किसी मनुष्य ने अश्वलोक की धरती पर पग नहीं धरे, इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो। परंतु एक बात स्मरण रहे, ये अश्व शक्ति का लोक है, यहाँ कोई और शक्ति निष्फल है। बल कार्य करे या ना करे परंतु बुद्धि तो कार्य करेगी ना, हमारे लिए वही पर्याप्त है। अब आ ही गए हो तो जाओ, जाओ अपना अवश्य कार्य पूर्ण करो। सचेत रहना और एक दूसरे की सहायता करना। जीवित लौट के आए तो मैं यही मिलूंगा। दाऊ चलिए, हमें शीघ्र ही उन अश्वों को खोजना होगा। ठीक है कान्हा,